भाई आपको सीधा ले चलते हैं अमेठी, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रोड शो शुरू हो चुका है और ये उनके रोड शो की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां उनके साथ मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं। और आज स्मृति ईरानी नामांकन करेंगी और नामांकन से पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उनके रोड शो की। और बीजेपी की तरफ से आज कहीं ना कहीं ये शक्ति प्रदर्शन लखनऊ और अमेठी दोनों ही जगह पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर स्मृति ईरानी के समर्थक भारी संख्या में जुटे हुए हैं। लखनऊ के आसपास रहने वाले लोग इतनी बड़ी संख्या में आए और आए ही नहीं, अयोध्या में जो भगवान राम मंदिर का प्रारूप था, एक समाज के ऐसे व्यक्ति ने इतना बड़ा मंदिर भेंट किया कि वो जहाज पर अभी तक मध्य प्रदेश नहीं जा पाया, वो अभी भी लखनऊ कार्यालय पर रखा है। मैं सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो स्मृति ईरानी के रोड शो की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी नामांकन दाखिल करेंगी और नामांकन से पहले उनके रोड शो की ये तस्वीरें, जहां बीजेपी कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक ये तस्वीरें उनके साथ मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम मोहन यादव भी मौजूद है, भारी संख्या में उनके समर्थक भी यहां पर जुटे हुए हैं। जहां आप देख सकते हैं कि स्मृति ईरानी का रोड शो, अमेठी से भाजपा प्रत्याशी हैं स्मृति ईरानी जो आज नामांकन दाखिल करेंगी। बता दें कि भाजपा ने तीसरी बार स्मृति ईरानी पर भरोसा दिखा है और यहां से उम्मीदवार बनाया। और इसके साथ ही आपको बता दें स्मृति ईरानी ने सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत पूजा अर्चना कर अपने आवास में हवन कर की थी और इस दौरान उनके साथ सीएम मोहन यादव भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव उनके साथ मौजूद थे और इसके साथ ही अब उनका रोड शो और रोड शो की तस्वीरें, जहां पर स्मृति ईरानी पर फूलों की वर्षा कर लोग उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और स्मृति ईरानी रोड शो करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगी, जहां पर वे नामांकन दाखिल करेंगी। और बता दें कि नामांकन से पहले कलेक्ट्रेट के बाहर ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाने का कार्यक्रम भी है, भारी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है, समर्थक वहां पर मौजूद हैं। और स्मृति ईरानी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री और तिलोई विधायक में मयंकेश्वर शरण सिंह समेत कई विधायक भी उनके साथ, स्थानीय कार्यकर्ता स्थानीय नेता भी मौजूद होंगे। और बता दें कि उनके रोड शो में करीब 50,000 लोगों के शामिल होने का अनुमान है और नामांकन और रोड शो में शामिल होने को लेकर एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इससे पहले एक वीडियो भी जारी किया था, जहां पर उन्होंने खुशी भी जाहिर